दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर टेक्निकल ऑफिस के इस वीडियो में। फ्रेंड आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं तुतला भवानी ब्लॉग बनाने के लिए, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज हम आपको तुतला भवानी से जुड़ा हर एक डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग बनाना और तुतला भवानी का बहुत ही अच्छा शहर आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है आपको तार बंगला रामा रानी स्टेशन रोड से होते हुए ये रोड यहाँ पर आता है। अगर आपको तुतला भवानी जाना है तो आपको इसी रोड के थ्रू आना होगा और ये रोड सीधा का सीधा आपको चल जाएगा तिलौथू, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप इसी रोड के सहारे जाइएगा और ये रोड बहुत ही अच्छा रोड है, एकदम स्मूथ रोड है और 4 लाइन है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और तुतला भवानी से कहाँ जाना है हम आपको वो भी दिखाएंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग तिलौथू पहुंच चुके हैं और तिलौथू से ये रोड जो है सीधे चला जाता है, और लेकिन सीधे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिलेगा माँ तुतला जलप्रपात। यही रास्ता जो है अब अंदर आपको तुतला भवानी वाटरफॉल की ओर ले कर चला जाएगा, और आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो है तिलौथू बाज़ार है, जिसको हम लोग तिलौथू बाज़ार कहते हैं, बाज़ार के नाम से प्रसिद्ध है। और ये मेन रोड है जो आपको ये रोहतास की तरफ चला जाएगा पंजाब। दोस्तों अभी जो हम लोग रोड में चल रहे हैं ये गांव का रोड है, जो कि आप पीछे देख सकते होंगे, और इस गांव के रोड होते हुए ही आपको आगे तुतला भवानी के पास जाना है। हम लोग यहां से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं तुतला भवानी माता जी के मंदिर और वाटरफॉल के पास, और यहां से आप गांव के रास्ते से ही जा सकते हैं, जैसे कि हम आपको रोड दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं कि ये जो रास्ता जा रहा है, हम लोग को आगे उसी पहाड़ के पास जाना है और उसी पहाड़ के पास आपको वाटरफॉल मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा अभी हम आपको अपने साइकिल से ही दिखा रहे हैं। उसी पहाड़ के पास अभी पहुंचना है, क्योंकि आप सीधे आप देख रहे हैं कि डाउन जो हुआ है, तो वहां से भी हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, और थोड़ा गाँव का नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि माँ तुतलेश्वरी द्वार, यानी कि अब ये जो रास्ता है अब तुतला भवानी की ओर सीधे जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सामने पहाड़ों का वादिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो फ्रेंड फाइनली हम लोग तुतला भवानी पहुंच चुके हैं, और आप जो पीछे में देख रहे हैं ये सारा पार्किंग एरिया है। आप अपने गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर या किसी चीज़ से आए हुए हैं, आप अपने यहां पर गाड़ी का पार्किंग कर सकते हैं, और यहां पर आप जो भी देख रहे हैं यहां पर आप अपना गाड़ी लगा सकते हैं। और पीछे में आप देखिएगा, हम आपको उधर दिखाने का कोशिश करेंगे, तो वो रहा माँ तुतला भवानी का द्वार, जहाँ पर आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहे होंगे कि पानी गिर रहा है, और वहाँ पर माता जी का मंदिर है, लोग वहाँ पर पूजा भी करते हैं और अपना श्रद्धा भी पूरा करते हैं और वाटरफॉल का मज़ा भी लेते हैं। तो फ्रेंड आगे हम और भी दिखाएंगे सामने नज़दीक जाकर कि वाटरफॉल कैसा है, किस प्रकार से पानी गिरता है। फिलहाल आप इधर का एरिया देख लीजिए, यहाँ पर आने का बाद जो आपका सोच शक्ति होता है ना, एकदम पॉजिटिविटी में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों की वादियाँ हैं, जहाँ पर आपको हरियाली पानी के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। तो चलिए और भी हम आगे आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड फाइनली हम लोग तुतला भवानी माताजी की और वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच चुके हैं, जो कि आप सामने देख रहे हैं लोग अभी पानी में नीचे नहा रहे हैं, जो कि पानी जो है झरने से बहते हुए नीचे की ओर आ रहा है और लोग वहां पर नहा रहे हैं। हम आपको बैक कैमरा से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड आप सामने देख रहे हैं कि ये देखिए लोग कैसे मज़े ले रहे हैं झील का पानी का, जो कि वाटरफॉल से नीचे आ रहा है और उसमें लोग नहा रहे हैं। और बात करें फ्रेंड पहाड़ियों का, तो आप सामने देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दृश्य है, जिसका कोई जवाब नहीं है।
अगर आप इस टाइप का अगर आप जगह खोज भी लें तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक का देन है। आप सामने देख सकते हैं कि वाटरफॉल से पानी नीचे की ओर डाउन हो रहा है और लोग उस पानी का मजा ले रहे हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं। फ्रेंड फाइनली हम लोग वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच चुके हैं जो कि आप सामने देख रहे हैं, और यहां पर हम पानी की बात करें तो बहुत ही तेज रफ्तार से अभी पानी मतलब गिर रहा है। और आप बगल में आप देख सकते हैं कि यहां पर लोग कितने जो लोग घूमने के लिए संडे वीकेंड यानी कि पिकनिक का दिन पूजा का दिन मनाने के लिए लोग इधर आ जाते हैं। हम आपको इधर से भी दिखाना चाहेंगे, ये मंदिर वगैरह है और यहाँ पर सारे लोग जितने भी हैं वो सारे के सारे घूमने के लिए आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि सीधे नदी में जो पानी बह रहा है लोग उसमें भी नहाते हैं कोई कोई लोग, जो कि पानी आपको इधर से वाटरफॉल की तरफ से नीचे से गिरता हुआ नीचे की ओर से ढुलता हुआ नीचे की ओर आ जाता है। और भी हम आगे की ओर आपको चलकर दिखाएंगे कि आगे एक ब्रिज है रस्सी का जिसके सहारे लोग आप वहाँ पर देख सकते हैं कि सीधे एकदम रेड कलर का जो आपको दिख रहा है माता शुक्ला भवानी का मंदिर है, लोग वहाँ पर भी जाते हैं। तो चलिए आगे की ओर और देखते हैं कि आगे क्या है। सो फ्रेंड फाइनली हम वाटरफॉल के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और आप सामने देख रहे हैं कि नीचे हम पहाड़ पहाड़ मतलब छोटे छोटे चट्टानों को क्रॉस करते हुए देखिए लोग कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं ऊपर में पुल भी है, लेकिन हम पुल पर नहीं गए हैं क्योंकि हमको आपको लाइव वाटरफॉल दिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि लोग कितने धीरे धीरे आ रहे हैं इधर की ओर, और हम आगे की ओर सामने आपको जो वहाँ पर वाटरफॉल दिख रहा है हम आपको वाटरफॉल से आपको लाइव कर दिखाएंगे कि कैसा नज़ारा होता है। तो चलिए वाटरफॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सो फ्रेंड फाइनली हम तुतला भवानी और तुतला भवानी वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्राउड है और यहां से लोग बहुत सारे लोग जो हैं यहां से मंदिर होते हुए जो कि हम आपको सामने दिखाते हैं, आपको जो रेड कलर का दिख रहा है वो माता तुतला भवानी का मंदिर है। लोग यहां पर नहाते हैं और नहाने के बाद डायरेक्ट माता तुतला भवानी का दर्शन करने आगे की ओर चले जाते हैं। तो फ्रेंड हम आपको यहां से सामने दिखा सकते हैं कि जो वाटरफॉल का पानी जो है आज बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से नीचे की ओर गिर रहा है। तो फ्रेंड हम सोचे भी नहीं थे कि आज यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि हो सकता है पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर जितना ज़्यादा बारिश होता है उतना ही ज़्यादा नीचे की ओर वाटरफॉल में पानी गिरने लगता है। हम आपको सामने दिखाना चाहेंगे फ्रेंड कि आप देख सकते हैं कि पानी का लहर जो है किस स्पीड से गिर रहा है, और पानी भाप के थ्रू आप उसको झटास कर सकते हैं वो पानी उड़कर रिटर्न मेरे मोबाइल पर और हम पर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग भी किया हुआ है जो कि इसके अंदर नहाना मना है। और हम आपको इधर दिखाना चाहेंगे कि ये सीढ़ियों के रास्ते भी लोग आ रहे हैं, जैसे कि हम आपको ब्लॉग बनाने के लिए नीचे पत्थर की ओर से गए थे, लेकिन और जो लोग सरदारू लोग हैं वो सीढ़ी के थ्रू डायरेक्ट वहाँ पर माता रानी के पास यानी कि माता शीतला भवानी के पास जाकर आराम से दर्शन कर रहे हैं। और भी हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे, जैसे कि लोग किसी को नहाना है तो इस पानी में भी नहा रहे हैं और किसी को नहाना है तो उसके अंदर भी लोग नहा रहे हैं, लेकिन अंदर नहाना मना है, ये सही नहीं है। हम और भी आपको दिखाना चाहेंगे फ्रेंड, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज तुतला भवानी वाटरफॉल विकराल रूप लिए हुए हैं और यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नेचुरल सारे के सारे चीज़ आप यहाँ पर तुतला भवानी में नेचुरल देखेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर लोग स्विमिंग का भी मजा ले रहे हैं जो कि हम आपको यहां से जूम करके दिखाना चाहेंगे, जो कि ये खतरनाक साबित हो सकता है, नहीं करना चाहिए, बैरिकेटिंग है तो उसका पालन करना चाहिए। यही था फ्रेंड आज के ब्लॉग में, और भी हम आगे आपको उधर जा रहे हैं पीछे की ओर तो आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। रहा बात इस पहाड़ का, तो आप पहाड़ का नकाशी देख कर ये नहीं कहिएगा कि ये नेचुरल है, क्योंकि ये सारा का सारा नेचुरल है और देखने में लगता है कि ये सारे के सारे चीज़ कटिंग करके बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखने के बाद लगता है कि क्या भयावह जगह, किसी पुराने किले में हम लोग आ चुके हैं, किले के जैसा यहाँ पर लगता है वाटरफॉल। हमने आपको सारा चीज़ फ्रेंड यहाँ से आपको अपने वीडियो में दिखा दिया, और आगे भी दिखाना चाहूँगा आपको कि आप तुतला भवानी आए और यहाँ पर माता रानी का दर्शन करें। आप सामने देख सकते हैं कि ये पुलिस फोर्स के लोग भी हैं जो कि यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रहते हैं। अभी तो कम भीड़ है, संडे है, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, और कभी कभी कोई हॉलीडे होता है जैसे कि कोई सरकारी छुट्टी, तो उस दिन भी लोग यहाँ पर मज़े लेने के लिए आ जाते हैं। ये रहा सीढ़ी जो कि अभी फ़िलहाल में कुछ साल पहले बना हुआ है, और ये बहुत अच्छा हो गया, नीचे पानी की ओर से नहीं जाना पड़ता है, नहीं तो कितने लोग
इस पहाड़ी पर फिसल कर चोटें भी खा लेते थे। देखिए जैसे कि अब उनको वहाँ पर जाना है, वो दोनों लोग हैं, तो वो लोग देखिए कितना आराम से आगे की ओर चल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि उनका पैर फिसलता है और उनको चोट लग जाता है। तो अगर आपको मंदिर में डायरेक्ट दर्शन करना है तो आप सीढ़ी के थ्रू जाइए, और सीढ़ी के थ्रू जाने के बाद आप आगे की ओर चले जाइए। आप नीचे से आने का कोशिश ना कीजिए, हमको ब्लॉग बनाना था इसलिए हम इधर आए। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है माता तुतला भवानी का। ये बहुत ही अच्छा जगह है, पिकनिक स्पॉट भी इसको बोलते हैं, और माता रानी का यहाँ पर मंदिर भी है इसलिए इसको धाम भी कहते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि माता तुतला भवानी का मंदिर है, यही मंदिर है फ्रेंड। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और आगे मंदिर में दर्शन करने के बाद रिटर्न इसी रास्ते से माता तुतला भवानी से अब पीछे की ओर निकल जाते हैं। तो आगे चलिए, आगे भी उधर का आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप तुतला भवानी आकर घोड़े का सवारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भाई कितने लेते हैं आप घोड़े का चार्ज घूमने का? 20 रुपये लेते हैं। और ये क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक घुमा लेते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो बनाना है, फ़ोटो खींचना है तो आप खींच सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब बैठे हुए हैं, यहाँ से अपना फ़ोटो शूट करेंगे। और ये बाबू है, ये भाई साहब हैं जिनका घोड़ा है। घोड़े का नाम जो है बहादुर है, बहुत अच्छा घोड़ा है ये। और देखिए कितना दूर से घुमा कर लाते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखो इसको गोद में ले लो।